हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकंड लॉ। जब हम सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ को हम लोग कहते चले आए हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, और इसमें जो टर्म आता है मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। तो सबसे पहली चीज जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, कैसे कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और कैसे कैसे इसको वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम है क्या। जनरली अगर आइडिया लिया जाए तो आप लोग कहते हैं कि जो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द पी डेट इज इक्वल्स टू एम इन टू वी। हम लोग कहते हैं मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। थोड़ा सा इसको एलाबरेट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम क्या है। तो मेरी नज़रों में जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या है मोमेंटम, मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल के साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हुआ बंदा एक सामने से आ रहा है और मुझे उसे रोकना है, तो आप बड़े आराम से उसके सामने खड़े हो जाएंगे और पुश करेंगे, उसको रोक देंगे। मींस आगे से आते हुए ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, पुश किया, रोक दिया। अभी आ क्या रही थी साइकिल, आपने उसे पुश किया, रोक दिया, उसका एक मास था एम, उसकी एक वेलोसिटी थी वी, मैंने उस पर छोटा सा फोर्स लगाया, उसे रोक दिया। चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट को, सामने से आ रहा है रोड रोलर, रोड रोलर आ रहा है, उसका भी मास तो एम है, थोड़ा ज़्यादा है बस, वेलोसिटी है, और अब हम सामने खड़े हो गए उसके, रोक पाओगे, सोच को पापड़ बन जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सामने से मोमेंट रोड रोलर आ रहा है तो हम उसे नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए, क्योंकि उसकी जो मोशन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई। चलो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, हम कह रहे हैं जी बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए उसका हम नहीं रोक सकते, बहुत बड़ी चीज़ है। साइकिल तो छोटी थी, छोटी वेलोसिटी थी, वो आ रहा था और हमने उसे रोक लिया। तो छोटी चीज़ दोगे तो हम रोक लेंगे, बड़ी चीज़ दोगे तो उसे नहीं रोक पाएंगे। इट मीन्स हमने बात कर ली कि जी क्वांटिटी ऑफ मोशन में जब वो एम बड़ा था तो हम उसे नहीं रोक पा रहे, वेलोसिटी कितनी भी सही हम नहीं रोक पा रहे। अब मैं आपके सामने एक छोटी चीज़ रखता हूँ, बहुत छोटी, ये पिस्टल है, पिस्टल से एक गोली निकल रही है, बुलेट। अब सामने से बुलेट आ रही है, रजनीकांत समझना मत, हाथ लगा के रोक दोगे, साउथ की फिल्में छोड़ के या दिमाग से सोचना, कभी सोचो कि नहीं जी साउथ की फिल्म में तो वो रोकता है, मुंह से चबा के भी फेंक देता है। क्या बुलेट आ रही है तो बुलेट को हम हाथ से रोकेंगे, मास बहुत कम ग्राम्स में, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, अल्टीमेटली द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज लार्ज। मींस चाहे मास ज़्यादा था चाहे वेलोसिटी ज़्यादा थी, दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी ज़्यादा होती, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था क्वांटिटी ऑफ मोशन थी वो दोनों ही केसेस में ज़्यादा थे। अगर मास कम है, थोड़ा सा वेलोसिटी कम है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा, दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा, क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा। तो मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्वांटिटी ऑफ मोशन। जो मोमेंटम है इट शोज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड बाय अ बॉडी। अब मोमेंटम को मेज़र कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू मेज़र इट। तो मेज़र करने की बात है, तो मेज़र करने के लिए अगर मैं कहता हूँ इट इज़ ए फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बॉडी इन यूनिट टाइम। मोमेंटम क्या है,
किसी भी बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स लगाया जाए कितने टाइम में, 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. अगेन, मोमेंटम इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बॉडी इन यूनिट टाइम. तो मोमेंटम क्या, क्वांटिटी ऑफ मोशन, और डिफाइन कैसे किया या इसे मेजर कैसे किया, इट इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड बाय टू द स्टॉप द बॉडी. इट इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी कब, यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में. अब दूसरी तरह से बात करें तो व्हाट इज द मेजरमेंट, हाउ कैन यू कैलकुलेट इट, एक और तरीका है. द मोमेंटम denoted by P, and it is the product of mass of the body and velocity. तो P को हम कैसे मेजर करेंगे, मोमेंटम P is equals to M into V. मोमेंटम is P, that is equals to mass into velocity. It is a vector quantity. कैसी quantity है, vector quantity है. तो हम क्या कह सकते हैं कि P is equals to mass into velocity. P is a vector quantity, momentum is a vector quantity, and it is the product of mass and velocity. यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, थोड़ा सा बात इसके लिए भी कर लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस और डायमेंशन ऑफ दिस. तो यूनिट हम कह रहे हैं P इज इक्वल्स टू एम वी, मास की यूनिट होती है kg, V की होती है मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. हमने पढ़ा मोमेंटम, that is quantity of motion. Measure कैसे कर रहे हैं, force required to stop a body in 1 second. Second चीज हमने कहा, it is equals to mass into velocity. It is a vector quantity. इट इज ए वैक्टर क्वांटिटी. यूनिट क्या होगी, यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड द डायमेंशन इज mLt-1. द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज mLt-1. देखिए, अगर मैं कहता हूं मेरे पास दो टू बॉडीज हैं हैविंग मास ऑफ m1 एंड m2. इफ वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, दो बॉडी हैं, दोनों में से एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और बट हैव सेम मोमेंटम, तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू m1, v1 इक्वल्स टू m2, v2. P इक्वल्स टू m1, v1 इक्वल टू m2, v2. जहां पर m1 अगर m2 से ज्यादा है तो v1 v2 से कम होगा. इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, देन v1 इज लेस देन v2. तो जो हैवियर बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो लाइटर बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर मोमेंटम दोनों केसेस में सेम है. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके वेरिएशन की, कि कब कैसा वेरिएशन होगा, कि किस क्वांटिटी को कैसे वेरी करेंगे. तो अगर मैं कहता हूँ इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, फर्स्ट है इफ पी इज कांस्टेंट. देखिए P इज इक्वल्स टू था एम वी,
और हम कह रहे हैं डेट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इम्प्लाइज डेट एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और अगर m और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो मास इस एक्सिस पर है, v इस एक्सिस पर है, ग्राफ कैसा आएगा, ये आएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मास घटेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी घटेगी मास बढ़ेगा, या ठीक है। नाउ सेकेंड टर्म हम लेते हैं कि इफ मोमेंटम मास इज कॉन्स्टेंट, अगर मास कॉन्स्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इस एक्सिस पे वी, इस पे पी, और ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्रीजिंग कर्व। इसको हम कहते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और लास्ट इफ वी इज कॉन्स्टेंट then p is indirectly proportional to m, y axis पे p, यहाँ m, तो ग्राफ आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइक दिस। तो मोमेंटम के लिए हमने थोड़ा सा पढ़ा और इसमें जानकारी ली कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा वेक्टर टर्म्स में और डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग वेक्टर में कैसे लिखते हैं वो भी देखते हैं। तो वी नो डैट इन वेक्टर फॉर्म मोमेंटम कैन बी रिटन एज पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, एंड द वेलोसिटी कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। मोमेंटम इट कैन बी रिटेन एज पी एक्स आई पी वाई जे पी जेड के, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई विद आई, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट पी एक्स इज इक्वल्स टू एम वी एक्स, पी वाई इज इक्वल्स टू एम वी वाई, पी जेड इज इक्वल्स टू एम वी जेड। ये हो गया, दिस इज अबाउट मोमेंटम। हमने एक मोमेंटम का जनरल आइडिया लिया, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ, और जिसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ मोमेंटम। तो नाउ लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ मोमेंटम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एफ दैट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी। क्या पढ़ा हम लोगों ने, एफ दैट इज इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी। अब हम लोग ले सकते हैं implies that F equals to proportionality constant K dP upon dT. The value of K is 1. K की value क्या है, 1. कब, CGS में भी और SI में भी, in both unit system the value of K is 1. So the force can be written as F equals to dP upon dT. As we know that what is P? P is momentum, that is equals to M into V. So now force can be written as d over dt, mass into velocity. Here M is constant, so M ko aage le liya, d over dt V.
व्हाट इज दिस? डीवी ओवर डीटी, दिस इज एक्सेलरेशन. तो फॉर्मूला आ गया एफ इज इक्वल्स टू एम ए. ये एक आपके सामने फॉर्मूला डिराइव हुआ, ये कह सकते हैं वैल्यू डिफाइन हुई किसकी? फोर्स की. और फोर्स को हमने कहा दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हम कह सकते हैं इट इज ए क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स. तो यहां से आ रहा है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब इसको भी वेक्टर फॉर्म में है तो लिख सकते हैं वेक्टर की टर्म्स में एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. दैट एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के दैट इज इक्वल्स टू एम ए एक्स आई एम ए वाई जे एम ए जेड के. अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम ए एक्स. एफ वाई ये होगा एम ए वाई एंड सो ऑन जैसे चल रहा है. तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए एक्स. एफ वाई को लिख सकते हैं एम इंटू ए वाई. एफ जेड को लिख सकते हैं एम इंटू ए जेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स एंड फोर्स इज नथिंग, इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन. अब पिछले लेक्चर में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स होता क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स क्या है. फोर्स होता है एनी टाइप ऑफ पुश एनी टाइप ऑफ पुल. क्या? किसी भी प्रकार का पुश या पुल हमने फोर्स कहा. लेकिन वो पुश और पुल फोर्स कब कहा? जब वो कुछ काम कर रहे हो. और कैसा काम कर रहे हो? या तो पोजीशन चेंज कर रहे हो. मैंने फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ से वो यहाँ आ गई, पोजीशन चेंज हो गया. पोजीशन चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, शेप चेंज कर रहे हो, साइज चेंज कर रहे हो, क्या है? फोर्स है. तो फोर्स को हमने बात कहाँ तक? कल के फोर्स और क्या होता है, ये पुश होता है या पुल होता है. क्या काम कर रहा है? या तो चेंज कर रहा है पोजीशन, ये स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट पे ला सकता है, या रेस्ट से मोशन में ला सकता है. साइज एंड शेप चेंज कर सकता है, ये फोर्स है. या डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये भी फोर्स है. तो फोर्स इज बेसिकली इफेक्ट ऑफ पुश और पुल विच चेंज द डायरेक्शन विच कैन मूव अ बॉडी विच इज एट रेस्ट विच कैन स्टॉप ए बॉडी विच इज इन मोशन और कैन चेंज द डायरेक्शन. कैसे? अब थोड़ा सा दिखते हैं कि फोर्स क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. देखिए, अगर ये एक बॉडी है, मैंने फोर्स लगाया, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी. कब? जब फोर्स लगाया. सेकेंड, मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो भी बॉडी मूव कर जाएगी. मैंने एक बॉडी को पकड़ के घुमाया, या यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर है तो इधर फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में. इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. अगर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है तो बॉडी कैसे मूव कर रही है? सर्कल में मूव कर रही है. तो यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है और बॉडी का मोशन ऐसे हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है. मैंने एक बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल की तरह एंगल थीटा पर, लेकिन इसमें फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड वर्टिकली, ये भी फोर्स लग रहा है. तो फोर्स का अप्लाई होना डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है, किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ये शो करता है कि वो फोर्स क्या काम कर रहा है. अब
फोर्स की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। सेकेंडली हम कहते हैं एसआई सिस्टम में न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एक यूनिट मैंने बताई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम डाइन लिख सकते हैं। ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, और वन न्यूटन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 10^10 कितना हुआ 5 डाइन। वन न्यूटन 5 डाइन। अब इसके अलावा हमारे पास जो यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स। ये यूनिट होती है ग्रेविटेशनल यूनिट, तो एक यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स। इसमें हम क्या करेंगे, किलोग्राम में साथ में जी की मल्टीप्लाई करके न्यूटन में आएगा, या होगा ग्राम फोर्स, तो जो फोर्स होगा ग्राम में होगा इनटू जी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए सीजीएस यूनिट में, तो डाइन आ जाएगा। सीजीएस में जी की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, बेटा जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू सीजीएस में होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हैं जी की। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स, के फोर्स होता क्या है। अब फोर्स दो तरह के होते हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं, वैसे तो हम लोगों ने 4 टाइप्स के फोर्स पढ़े थे, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो फोर्स का टाइप आएगा वो क्या है, इसको आप डिफाइन करते हैं कि फोर्स क्या है और फोर्स के टाइप्स क्या हैं। तो फोर्स क्या था, इन टाइप ऑफ पुश और पुल, और टाइप्स ऑफ फोर्स क्या हैं, तो वो देखते हैं क्या है फोर्स। सबसे पहला टाइप है जो कि हम कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स नंबर ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो एक सेंटर की तरफ लगते हैं। अगर ये एक बॉडी है, ये अपने सेंटर की ओर चीज़ों को खींच रही है, या ये एक चार्ज है दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, सेंटर की तरफ लगा रहा है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स हैं ये एक फोर्स कहलाते हैं सेंट्रल फोर्स। सेकंड फोर्स आएगा, इनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये फोर्स जरूरी है कॉन्टैक्ट होने पर ही लगे, दूर से भी लग सकते हैं जब बॉडी के बीच में गैप है। सेकंड आया कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है जैसे फ्रिक्शन, दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट पर है उनके बीच फोर्स लगने वाला फोर्स, टेंशन, दो बॉडीज आपस में एक स्प्रिंग लिया खींचना शुरू कर दिया तेजी से, दैट इज कॉल्ड टेंशन। स्प्रिंग फोर्स, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन हुआ, टेंशन हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, वगैरह वगैरह। एक फोर्स आपने पढ़ा था वीक फोर्स, वीक फोर्सेस हमने पढ़े थे, और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसमें आता है न्यूक्लियर फोर्स। ये बाकी फोर्सेस जैसे भी जैसे हम आगे चलेंगे, हमारी जर्नी आगे चलेगी, हमारी पढ़ाई आगे चलेगी, हमारा फिजिक्स आगे चलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में अभी जब पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, मास, वेलोसिटी, वर्क एटसेट्रा। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ यहाँ तक डिस्कस कर रहा हूँ जो था फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कनेक्टिंग फोर्स,
नेक्स्ट लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी, मिस मत करना, देखते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट।